आज मैं आप लोग को सेट्स पढ़ाऊंगा। सेट में हमने कुछ लेक्चर पढ़ा चुके हैं, तो आज लेक्चर नंबर 4 आपका होगा। तो देखिएगा, इसमें कुछ बाकी कॉन्सेप्ट हो गए थे और जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसको देखिएगा। जैसे आज पढ़ाऊंगा इंटरसेक्शन और आपका यूनियन पढ़ाऊंगा और डिफरेंस पढ़ाऊंगा, तो और भी सारे कुछ होंगे कॉन्सेप्ट, वो भी पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन कभी कभी मान लीजिए ऐसा है, दो सेट्स दिए होंगे आपके, ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है 5, 6, 8 आ गया, ठीक। एक सेट दूसरा हम ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। अब पूछ रहा है इसके यूनियन बताइए क्या होगा। तो यूनियन के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं यू का जो सिंबल होता है इसको ऐसे यूनियन को दिखाते हैं, तो इसको बोला क्या जाएगा, ए यूनियन बी बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको देखिए क्या, अगर जो नंबर दोनों में उसको एक ही बार लिखते हैं, और जो नंबर देखिए पहले क्या, अगर जो दोनों नंबर मिले वो लिखिए, 2 मिला, फिर उसके बाद देखिए 3 नहीं मिल रहा है, जब भी आपको लिखना है। यूनियन का मतलब होता है सभी नंबरों को लिखना, सभी नंबरों का कलेक्शन होता है, जो नहीं हो वो भी और जो हो वो भी, जो प्रेजेंट हो वो, जो नहीं प्रेजेंट वो भी लिखना होगा, एक अरेंजमेंट में लिखना होगा। तो 2 के बाद क्या आता है, 3, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6, फिर 8 और फिर आपका कितना हो गया, 10, 9 तो है नहीं, तो 9 नहीं लिखा जाएगा, ये आपका यूनियन हो गया, ठीक। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिएगा इंटरसेक्शन में ये होता है जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। देखिए कॉमन क्या क्या है, ये 4 है, ठीक है। अब देखिए कॉमन ये मिला हमें, तो ये पहले ये लिख लीजिए 2, फिर देखिए 4 भी मिल रहा है, ये भी लिख लीजिए, फिर नहीं, अब देखिए 5 नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखिए कोई नंबर क्या है, कॉमन है, नहीं है ना। देखिए आप लोग, 2 मिला, दोनों में कॉमन था, 4 भी कॉमन है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक। तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिफरेंस कैसे निकालते, जैसे कहा जाए कि ए में ए डिफरेंस बी निकालिए, तो देखिए क्या करेंगे, इसका आसान ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले इसको रख कर ले, देखिए, तो देखिए क्या निकालना हम लोग को, ए माइनस यानी ए डिफरेंस बी निकालना है। तो पहले दोनों को लिखेंगे, ए का क्या है 2, 4, 5, 6, 8 और बी का क्या है 2, 4, 3, 10 है। अब देखिए हमको मेन जो टारगेट इस पर करना है, हमको ए वाले सेट पे करना है, ठीक है। अब देखिए ए और बी में क्या है, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, तो उसको कट कर दीजिए आप, उस पर ना करिएगा पेपर में, बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए दोनों में कॉमन है, इसको कट कर दीजिए, ठीक। 4 भी कॉमन है, इसको भी कट कर दीजिए। अब देखिए ये वाला हमको नंबर नहीं ध्यान देना है, इसमें जो बचा हुआ नंबर है, जो बच गया, कितना बचा है, 5, 6, 8, ये हमारा ए डिफरेंस बी हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि बी माइनस सी निकालिए आप, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, बी वाला पार्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, 4, 3, 10, और ए वाले में क्या लिखेंगे 2, 4, 5, 6, 8। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है उसको क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए दोस्तों जरा ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम सही से लिख दें यहाँ पे 3, 4, ठीक। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये 2, 2, फिर 4, देखिए 4 कट गया। अब जरा देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा दोनों में, 4 कट कर दीजिए, तो इसमें कितने नंबर बचे हैं आपके, 3 और 10 ये बचे हुए हैं, ठीक। तो ये ए डिफरेंस बी आपका निकल गया, वो बी डिफरेंस सॉरी इसमें ए होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों कुछ और सवाल ऐसे ही, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, तीन हम देखिए एक सेट किसमें कई सारे चीज़ बता दूंगा, एक यूनिवर्सल सेट ले, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब है 10 नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है, और हम एक सेट ले रहे हैं ए जो है 2, 4, 6 है, बी सेट ले रहे हैं जो 2, 3, 4, 5 ले रहे हैं, ठीक। सी जो सेट ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं
एट लेना, ठीक, ये चीज हमें करना है, ठीक है। अच्छा इसको और बदल लीजिए कुछ, 1 2 3 ले। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये कम्प्लीमेंट बोला, देखिए ये कम्प्लीमेंट बोला है, या सी लिखा रहेगा इसके ऊपर या ये लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। तो ये देखिए हम यहाँ डैश लगा रहे हैं, कम्प्लीमेंट, चलिए आप सी लिख लीजिए, बी पे सी लिख लीजिए और सी पे सी लिख लीजिए, ठीक। और हमें इंटरसेक्ट, ये यूनियन निकाल लिया जाए और इंटरसेक्शन भी देखा जाए, ठीक। देखिए करके मैं देखिए सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले ए माइनस बी निकाला जाए, ठीक है, ए माइनस बी। तो देखिए ए में क्या है नंबर, 2 4 6 है, बी में क्या दिख रहा है आपको, 2 3 4 5। अब देखिए हमने क्या कहा था, जो दोनों में कॉमन हो वो लिख लेते हैं हम लोग वैल्यू, क्या देखिए वो वैल्यू क्या कट कर देते हैं, ये देखिए कट गया, 4 कट गया, कट गया। अब देखिए जरा ए पहले, तो ए का बचा हुआ पार्ट लिख देंगे, कितना आएगा, 6, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा बी माइनस सी है, तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये दो निकाल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बार बार वही चीज़ पढ़ाएं क्या फ़ायदा है। तो अब ये कम्प्लीमेंट वाला बता रहे, जो नया चीज़ है, एक एक बता दे रहे हैं सब में का, ठीक। देखिएगा अब देखिए ये होता है, ये कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए को माइनस करना, ठीक। तो यू कितना आपका है, 1 2 3 4 5 10 तक, ठीक। ए में कितना आपका, 2 4 6, ये देखिएगा कितना आपका दिख रहा है, 1 2 3 4 ये 10 तक नंबर लिखा, ये कितना है, 2 4 6। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, कि इन दोनों में जो ये नंबर हो, ये नंबर जो लिखा है, जो माइनस किया गया, इसका मतलब ये कि ये नंबर हमको नहीं लिखना है, जो आएगा आंसर ये नंबर नहीं लिखना, जो बचा हुआ रहेगा उसके अलावा लिखना है, तो ठीक। तो 2 इसमें नहीं लिखा जाएगा, सॉरी 4 देखिए इसमें है तो नहीं, ये 4 इसमें कट गया, नहीं रहेगा, तो 5 लिख दीजिए। फिर देखिए 6 है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, फिर 8 9 10, देखिए 7 है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक। अब ऐसे देखिए और भी क्वेश्चंस, चलिए ये वाला करा दें, सी वाला, इसका मतलब है यू माइनस सी। अब ये क्या है, 1 2 3 10 तक है, ठीक। यू में कितना है आपका, ओ सी में, सी कितना है, 1 2 3। अब क्या करिए आप, 1 2 3 इसमें से हटा दीजिए, जो बचा हुआ है लिख दीजिए उसको, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक। तो मैं ये कम्प्लीमेंट वाला छोड़ दे रहा हूँ, अब आपको इंटरसेक्शन और यूनियन बता देंगे क्वेश्चन। अब देखिए ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यानी दोनों नंबर पहले लिख लीजिए, 2 4 6। अब बी कितना है, 2 3 4 5, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखा जाएगा, ये ना सोचिएगा कि दो बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 2 कॉमन है, इसको लिखिए, फिर 3 इसमें नहीं, जब भी यूनियन में होता है सभी नंबरों का कलेक्शन होता है, सभी नंबरों का कलेक्शन, तो 2 के बाद क्या था, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 और 6 लिख दीजिए आप, आंसर हो गया ये, ठीक। क्या अब देखिए एक इंटरसेक्शन बता दिया जाए आपको, तो ए इंटरसेक्शन सी में आइए आप, तो देखिए 2 4 6 है, और सी में क्या है, इंटरसेक्शन में होता है कॉमन वैल्यू, 1 2 3, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ कितना आपका 2 दिख रहा है, 2 बस 2 इसका लिखा जाएगा,